नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक क्या है हल करेंगे। तो इस कार्य पत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कार्य पत्रक में हमें क्या दक्षता प्राप्त करनी है। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग की समझ बना पाना, यानी दैनिक जीवन में कई प्रकार की हमारे पास समस्याएं आ जाती है, उनको सुलझाने के लिए हम भाग का प्रयोग किन परिस्थितियों में और किस प्रकार करेंगे वो हम इस कार्यपत्रक में समझेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती हैं तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 672 पुस्तकें हैं उनको कितने डिब्बों में पैक किया जाएगा यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 672 में 24 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 672 में 24 का भाग दे देंगे, तो जो भाग फल आएगा वो हमारे पास डिब्बों की संख्या आएगी जिनमें हम इन किताबों को रख सकेंगे। 24 का पारा बोलेंगे हम दो बार, 24 दो 48, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे 67 में से तो आ जाएंगे 17 में से 8 घटाए 9 और यहाँ 5 रह जाएंगे, 5 में से 4 घटाए 1 और यहाँ लिख देंगे 2 आगे वाली संख्या। अब 24 का पारा बोलेंगे हम 8 बार, तो 24 आठे 192, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ शून्य आ जाएगा, तो हमारा जो भाग फल है वो आ जाएगा 28। इन किताबों को रखने के लिए हमारे को 28 डिब्बों की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या दो है, 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं, यदि हॉल में कुर्सियों की 44 कतार हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं। तो इस हॉल में 44 कतारें हैं और कुल लोगों की संख्या है 968, तो हमें यहाँ बताना है कि एक कतार में कितने लोग बैठे हैं। तो इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम 44 का भाग दे देंगे 968 में, तो हमारे पास एक पंक्ति में लोगों की संख्या आ जाएगी। 44 का पहाड़ा बोलेंगे हम दो बार, 44 दुए 88, माइनस कर लेंगे 96 में से, 6 में से 8 नहीं घटा पाएंगे हासिल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ 16 हो जाएंगे, तो 16 में से 8 घटाए 8 और एक अगला अंक यहाँ पर उतार लेंगे 88, वापस 2, 44 दुए 88, 88 में से 88 गए 0, तो इस प्रकार 22 लोग है वो प्रत्येक कतार में बैठे होंगे, एक कतार में लोगों की संख्या आ जाएगी 22। अब तीसरा प्रश्न है, खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया, तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 14 का भाग दे देंगे कुल विद्यार्थियों में, कुल विद्यार्थी हमारे पास है 350, तो 14 दो 28, अब 35 में से 28 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 70, 14 पंजे 70, ये शून्य आ जाएगा और हमारा भागफल आ जाएगा 25, यानी 25 विद्यार्थी है वो प्रत्येक पंक्ति में खड़े हैं। चौथा प्रश्न है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है, यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में 15 बोरियां लाता है तो बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक टेम्पो का चक्कर है उसमें वो लाता है 15 बोरी और हमारे को चाहिए टोटल बोरी 450, तो 450 में हम 15 का भाग दे देंगे, 15 दिए 45, यहाँ पर 45 लिख देंगे, 45 में से 45 घटाए 0, अब अगला अंक यहाँ पर लेंगे 0, तो अगले अंक में अगर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हम, तो यहाँ पर भी हम एक 0 लगा देंगे और हमारा शेष बल भी यहाँ 0 आ रहा है, तो 30 चक्कर लगाएगा टेम्पो तब जाके वो सारी जो बोरियां हैं सीमेंट की वो ला पाएगा, तो हमारा उत्तर आ गया 30 चक्कर। एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे, यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए कि वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक माली है वो 18 पेड़ एक पंक्ति में लगाना चाहता है और कुल पेड़ वो लेके आया है 548, तो हमें बताना है वो 18-18 की पंक्तियों में जब लगाएगा तो शेष कितने बच जाएंगे पंक्तियों में लगाने के बाद। 18 का हम पाड़ा बोलेंगे 18 54, यहाँ पर आ जाएंगे 54,
माइनस करेंगे तो ये शून्य आ जाएगा। अगली संख्या हम यहाँ पर उतार लेंगे तो 18 का भाग 8 में जा नहीं रहा है तो हम यहाँ पर भी एक शून्य लगा देंगे। अब हमारा शेष फल बच जाएगा 8। तो मालिक के द्वारा जब 18 की पंक्तियों में पेड़ लगाए जाएंगे तो उसके पास 8 पेड़ है वो शेष बच जाएंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्य पत्रक 11 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्य पत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।